प्रथम तहलका न्यूज। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन अब यही बड़े बड़े दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पलवल की, जहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से न केवल पौष्टिक आहार बल्कि कैल्शियम आयरन की दवाओं सहित विभिन्न टेस्ट की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन कोरोना के चलते कुछ समय के लिए इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सितंबर के महीने में इस मातृत्व योजना को दोबारा शुरू तो किया गया, तो वहीं अब गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बाहर से आते हैं, काफी के आते फिर यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। प्रेग्नेंट वैसे बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, ऊपर से बीमारी फैलती है, क्या करें। यहाँ पे एक बेड बैठती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई थोड़ी सुविधा हो, बहुत परेशानी होती है। तो अभी तक आपका कोई यहाँ उपचार वगैरह, कोई जांच वगैरह नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ? हमें हो गए कम से कम 2 घंटे, 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। 8:30-9 बजे, 8:30 बजे तो हम आ गए यहाँ पे, फिर आधे घंटे उधर लाइन पे खड़े रहे हैं पर्ची के लिए, आधे पौने घंटे। जहाँ पे अगर यहाँ पे किसी की रिपोर्ट हो तो बस उन्हें नंबर दे दिए जाता है, चले जाते हैं। बाकी तो किसी को कोई सुविधा नहीं है। तो कोई चेकअप वगैरह नहीं करते? कल यूँ ही भेज दिए थे आप? कब से आए हो आप यहाँ? परसों से। आज कितने बजे आए थे? आज 8 बजे। तो अभी तक कोई आपके चेकअप वगैरह नहीं हुए? बस और कुछ नहीं। तो बोला है आपने किसी डॉक्टर से इस बारे में? अब क्या टाइम हो रहा है? 11 बजे। यहाँ पर जांच के लिए पहुंची गर्भवती महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि उन्हें यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाने वाला आहार, जिसमें कि चना और जूस शामिल है, वो नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ भी मौजूद नहीं है, और ना ही यहाँ पर उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दवाई गोली पूरी मिली नहीं रही हमें, एक दवाई मिली है बस, एक शीशी दही और एक पत्ता गोली को देना। कोई डाइट वगैरह खाने के लिए? कुछ भी नहीं, ना कोई बिस्कुट, ना नमकीन, ना कुछ है। तो हर महीने के 9 तारीख को आते हैं आप यहाँ? मैं 27 तारीख को आ जाऊँ, अब तो इनने 9 तारीख को बुलाया। तो क्या लगता है आपको यहाँ दवाई गोली वगैरह होनी चाहिए? कुछ सुविधा ही नहीं दिख रही है, तो कुछ चीज का किराया भाड़ा भी लगा के आ रहे हैं, कोई दवाई गोली टाइम पे नहीं मिली। अब अल्ट्रासाउंड हुआ है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, बताओ गरीब आदमी प्राइवेट में कहाँ जा हम करवाने को, 700-800 को होगा, बताओ। कहाँ से आए आप? हम बड़े मोहल्ले से हैं। बड़े मोहल्ले के? तो वही इस बारे में जब वहां पर मौजूद महिला चिकित्सक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। जबकि पीएचसी पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋषभ से बात की तो वे कोरोना का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से पल्ला झाड़ते नजर आए। बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से पहले चलता था प्रोग्राम, उस तरीके से प्रोग्राम पीएमएस में प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया। क्या लगता है आपको, यहाँ एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए या नहीं? होनी तो चाहिए जी, जरूरत है। तो इसको लेकर आपने मांग भेजी थी? मांग भेजी है ऊपर, लेकिन महिला डॉक्टरों की शॉर्टेज की वजह से हमारे पास अवेलेबल नहीं होती लेडी मेडिकल ऑफिसर, इसलिए स्टाफ नर्स सारा काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह से यहाँ? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे अपने जो क्लास फोर है उसको गाइडलाइंस दी हुई है, वो सब में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई है। कोरोना तो महज एक बहाना है, बल्कि असलियत तो ये है कि वाकई में आज भी हरियाणा के कई सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है, लेकिन प्रशासन है कि जागता ही नहीं। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।